अगर फौजी और किसान ना किसी एक जगह में बैठ जाएगा ना तो सालों तुम लोग कभी जिंदा नहीं बचोगे। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग एक मैसेज देख रहे हो, एक लड़की एक फौजी भाई को मैसेज किया है। पहले इस लड़की ने बोला हाय, फिर बोला हाय सर, और फिर ये बोला कि कुत्ते तू अकेला फौजी है क्या, तेरे जैसे कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं। दोस्तों इस लड़की का औकात तो देखो, एक फौजी को कुत्ता बोलकर गाली दे रहा है यार। ये लोग कहां से पैदा होते यार, जिस ताली में खाते उसी ताली को चेत करते यार, कुछ तो शर्म करो यार। जिनकी वजह से तुम इस देश में सुरक्षित हो तुम उनको गाली दे रहे हो। दोस्तों अगर फौजी भाई को कुछ दे नहीं सकते हो ना तो कम से कम उनको रेस्पेक्ट क्या करो यार। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि एक लड़की ने एक बीच सड़क में एक फौजी भाई को थप्पड़ लगा रहा है। इसलिए लगा रहा है कि उस फौजी भाई की गाड़ी से उस लड़की का कार में तो कुछ टकरा गया था और कुछ नुकसान भी नहीं हुआ उस लड़की का, लेकिन अपने घमंड को दिखाते हुए इस फौजी भाई को थप्पड़ लगा रहा, दो चार थप्पड़ लगाया था। मैंने वीडियो भी अपलोड किया था यार। ये लोग कहां से पैदा होते यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक फौजी भाई को बीच सड़क में थप्पड़ मार रहा है, जिसकी वजह से जिंदा हो उसी को आप थप्पड़ लगा रहे हो यार। बहुत अवार्ड मिलना चाहिए यार आप लोगों को। और मैं देख रहा हूँ आजकल फौजी भाई को रेस्पेक्ट बहुत कम मिल रहा है। बीच सड़क में फौजी भाई को मार रहा है और लोग आराम से देख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, कोई उसको बचाने नहीं जा रहा है। और एक बात दोस्तों, कुछ दिन मतलब दो तीन साल पहले मेरे को किसी ने कहा था कि कुत्ता जो होता है शांति में कहीं एक जगह में बैठता है, लेकिन एक फौजी जो होता है शांति में कहीं भी एक जगह में नहीं बैठता है। तो बच्चों में आप लोगों को समझदारी के बात सुनाता हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों ने किसी ने समझाया नहीं होगा और ऐसा बात कभी बताया नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर फौजी और किसान अगर किसी एक जगह में बैठ जाएंगे ना तो बच्चों तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, तो याद रखना यह बात बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अगर फौजी और किसान किसी एक जगह में बैठ जाएगा ना तो सालों तुम लोग कभी जिंदा नहीं बचोगे। अगर फौजी एक जगह में बैठ गया ना तो दुनिया ऐसी की तैसी हो जाएगा, और किसान अगर एक जगह में बैठ जाएगा ना तो खाना नहीं मिलेगा बच्चों। इसीलिए हमेशा याद रखना, फौजी और किसान अगर अलग जगह में बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे ना, तो सालों तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इसीलिए फौजी को और किसान को हमेशा रेस्पेक्ट किया करो, उनके बारे में गलत ना समझो। और मैं जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, हो सके तो फौजी भाई को रेस्पेक्ट किया करो, अगर उनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम रेस्पेक्ट किया करो। और चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करिए जो लोग ऐसे हरकत करते हैं, और दलालों से हमेशा दूर रहा करो। जय हिंद जय भारत।